प्रॉब्लम शीट फर्स्ट में ये एक टेबल दे रखी है शुरू में। देखो टर्म सिंबल्स फॉर वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, देखो इसके बारे में अपन को कुछ देखना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है जैसे वन एस वन, एस वन कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहला केस लेते हैं इसमें एस वन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब देखो एस वन कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपन को टर्म सिंबल्स देखना है, तो कैसे देखोगे आप? देख एस वन कॉन्फ़िगरेशन है तो भाई एस तो एक ही ऑर्बिटल होता है, ये इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जीरो होता है, ठीक है ना। अब इसके लिए अगर एल मैक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो या तो जीरो ही है, एक इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ना है जीरो ही रहेगा, तो कुल मिलाकर एल मैक्स जीरो है, तो कुल मिलाकर एम एल की वैल्यू जो होगी वो जीरो ही होगी, समझ में आ रहा है ना। एस मैक्स की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम वैल्यू केवल प्लस हाफ होगी, तो कुल मिलाकर जो एम एस की वैल्यू है वो प्लस हाफ और माइनस हाफ यहाँ पर हो सकती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ यहाँ पर होगी। अब टेबल बना सकते हैं, तो देखो प्लस हाफ और माइनस हाफ, एम एल की वैल्यू जीरो है तो केवल यहाँ पर ये होगा, तो यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बनेगी, केवल ये वाली ये टेबल यहाँ पर बनेगी, इधर की वैल्यू एम एस की हो जाएगी, इधर की वैल्यू एम एल की हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना। अभी इस टेबल को अपन को भरना है, तो देखो ध्यान देना L की वैल्यू आपको जीरो करनी, L की वैल्यू जीरो करनी तो भाई ऑर्बिटल एक ही है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन से बढ़ दिया, हो गए L की वैल्यू जीरो। अब इस इलेक्ट्रॉन को आप क्लॉकवाइज स्पिन के साथ बढ़ सकते हो तो प्लस हाफ आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए बढ़ दिया माइनस हाफ आ जाएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी एक्स, भाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरा आपने तो एस की वैल्यू हो गई कितनी, एम एस की वैल्यू हो गई प्लस हाफ, प्लस हाफ तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक्स हो गया, ऐसे भरा तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस हाफ, तो यहाँ पर भी क्या हो गया एक्स, तो कुल मिलाकर ये हो गया। अब आपको देखना है यहाँ पर इसके लिए टर्म सिंबल्स कौन कौन से बनेगी, चलो इसको देखो एस की वैल्यू, एल की वैल्यू जीरो है, एल की वैल्यू जीरो पर टर्म कौन से बनते हैं एस, एक्स को काटो कितने बार कटेगा दो बार, तो कुल मिलाकर एक ही टर्म बन रही है यहाँ पर, इसके अलावा और बन रही है क्या, नहीं बन रही। अगर कहीं पर भी एक ही टर्म बनती है तो वो जो टर्म बनेगी वो ग्राउंड स्टेट होगी, हमेशा कौन सी होगी ग्राउंड स्टेट। तो देखो यहाँ पर टेबल के अंदर देखो ग्राउंड स्टेट जो टर्म दे रखी है वो कौन सी, 2s दे रखी है ना, और इसके अलावा और कोई टर्म बनी नहीं रही, इसलिए अदर टर्म्स के नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर डैश, डैश मतलब कुछ भी नहीं, निल है, ठीक है ना। तो वन एस कन्फिग्रे एस वन कन्फिग्रेशन के केस में केवल एक ही टर्म बन रही है, तो वो जो टर्म होगी 2s वही ग्राउंड स्टेट टर्म है, इसके अलावा और कोई टर्म इसकी नहीं बनती, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है H2P6D10, देखो ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इनके लिए केवल एक ही टर्म बनती है 1s0, है ना, तो कुल मिलाकर 1s मान लो, है ना, जीरो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इंक्लूडिंग जे वैल्यू है। अभी मैं जे वैल्यू की बात नहीं करें तो केवल ये हो गया फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे कुछ भी हो H2P6D10F14 कुछ भी हो, उसके लिए टर्म हमेशा यही होती है, इसके अलावा और कोई टर्म नहीं होती, एक ही टर्म है तो जो टर्म होगी वो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी, ठीक है, अदर टर्म इसके लिए भी नहीं होगी। देखो नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है P1 एंड P5, ये देखो एक बात हमेशा ध्यान देना, जैसे अगर मैं P1 की बात करूँ, चलो पहले P1 को एक्सप्लेन कर देता हूँ, P1 को पहले यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर देखो 1, 2, 3, ठीक है, प्लस 1, 0, माइनस 1, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना है तो एल मैक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 होगी, तो एल मैक्स 1 हो गया, तो कुल मिलाकर एम एल की जो वैल्यू होगी प्लस 1, 0, माइनस 1 होगी। इसी तरह से एस मैक्स की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एस मैक्स होगा प्लस हाफ, तो इसका मतलब एम एस की वैल्यू होगी प्लस हाफ तो माइनस हाफ, तो यहाँ पर हो गया प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये हो गया। अब डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि प्रैक्टिस होने के बाद कुछ भी टाइम इनमें नहीं लगता। टेबल बनानी है तो प्लस 1, 0, माइनस 1, यहाँ पर हो गया एम एस की वैल्यू है ना, तो यहाँ पर प्लस हाफ और माइनस हाफ, यहाँ पर देखो एम एल की वैल्यू प्लस 1, 0, माइनस 1, तो केवल प्लस 1, 0 लिख दो, प्लस 1 और 0, ये टेबल यहाँ पर बन जाएगी, ये टेबल बन जाएगी, छोटी सी टेबल बनेगी, कोई टाइम इसमें नहीं लगेगा। ये इधर एम एस की वैल्यू, इधर एम एल की वैल्यू। अब L की वैल्यू आपको 1 करनी है तो इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ भरोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो क्लॉकवाइज स्पिन के साथ भर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज के साथ भर सकते हो, तो यहाँ भी एक्स आएगा, यहाँ पर भी एक्स आएगा, एक ही पॉसिबिलिटी होगी ना, भाई प्लस आपके साथ भरोगे तब भी एक पॉसिबिलिटी, माइनस आपके साथ भरोगे तब भी एक ही पॉसिबिलिटी होगी, फिर L की वैल्यू 0 करोगे तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दो, वही दो पॉसिबिलिटी, या तो क्लॉकवाइज स्पिन के साथ या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ, तो यहाँ पर भी एक्स एक्स आएगा, इसके अलावा और पॉसिबिलिटी क्या नहीं है। अब देखो एल की वैल्यू 1 है तो टर्म हो जाएगी पी,
एक्स काटो कितने बार, दो बार कटा दो, टू पी, ये कट गया तो ये भी कट जाएगा, ये कट गया तो ये भी कट जाएगा, तो कुल मिला के एक ही टर्म बनी, कौन सी, टू पी। हाँ, टू पी में अगर अपन चाहते हैं तो फिर इसमें जे वैल्यू को इंक्लूड कर सकते हैं, वो अपन चेक कर लेंगे, लेकिन अभी जे वैल्यू की फिलहाल बात नहीं कर रहे। तो केवल एक ही टर्म बनी है एक्सक्लूडिंग जे वैल्यू। अगर जे वैल्यू को अपन कंसिडर नहीं करते तो केवल एक ही टर्म बनी है, तो जो होगी वो ग्राउंड स्टेट होगी। तो यहाँ पर देखो ग्राउंड स्टेट हो गई टू पी, अदर टर्म यहाँ पर बनी नहीं, इसलिए डैश यहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, देखो ये पी वन के लिए देखा है, अगर आप पी फाइव के लिए देखोगे तो क्या होगा, देखो समझना। जैसे पी वन, पी वन में इलेक्ट्रॉन भरो, वन टू थ्री, एक इलेक्ट्रॉन बनना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वन। पी फाइव में देखो, पी फाइव में वन टू थ्री, अब फाइव इलेक्ट्रॉन बनना है, वन टू थ्री फोर फाइव, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, वन आ रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन वन आ रहा है। तो कहने का मतलब है, जैसे पी ऑर्बिटल्स की बात करें, पी ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन वन है ना, तो इनके बनने वाले टर्म्स भी हमेशा सेम होंगे। देखो समझना क्या बोला, P1 के केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन वन हो गया, P5 के केस में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन वन हो गया, तो इनके टर्म्स भी सेम बनेगी। P1 के लिए टर्म्स कौन से बने, 2P, तो यहाँ पर भी 2P ही बनेगी और टर्म्स नहीं आएगी। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आपने P1 की कैलकुलेशन कर लेना, P5 की कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो P1 पर बनेगा वही P5 पर बनेगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा सा आसान होगा इस कॉन्सेप्ट पर। कैसे, जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि P5 के लिए ऑल टर्म्स कितनी होगी, तो P5 के लिए आप टेबल बनाओ ही मत करो सवाल। क्यों, क्योंकि आपने देख लिया कि P5 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वन है, तो आप देखो और कौन से P के अंदर वन अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आपने देखा कि P5 में अनपेड इलेक्ट्रॉन वन है, P1 में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन वन है, तो कुल मिलाकर जो टर्म P5 की होगी वही P1 की होगी। P1 की आप आसानी से निकाल लो तो P5 की ऑटोमेटिक निकल गई। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसा आपको करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे P5 में वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो भाई D1 में भी तो वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, S1 में भी तो वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, F1 में भी तो वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसे कंपेयर करने लग जाओ कि जो टर्म P5 की होगी वही टर्म इनकी भी होगी, ऐसा नहीं है। P को P से ही कंपेयर करना है, D को D से कंपेयर करना है, F को F से कंपेयर करना है, समझ में आ रहा है। जैसे D1 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा और कौन सा D कन्फिग्रेशन है जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो D9 होगा। D2 में टू अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा कौन सा D कन्फिग्रेशन है जिसमें टू अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो D2 कन्फिग्रेशन होगा, सॉरी D8 कन्फिग्रेशन होगा। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन D2 में है उतने ही किस में होंगे, D8 में। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि P को P से, D को D से, F को F से, इस तरह से कंपेयर करना है, समझ में आ रहा है ना। हमने देखा P5 में वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो P1 में भी वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो P1 की जो टर्म्स होगी वही P5 की होगी। P1 की आपने कैलकुलेट कर ली, P5 के कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं। एग्जाम में मान लो P5 की पूछी जाती है तब भी आप P5 के लिए कैलकुलेशन मत करो, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, इसलिए आप कैलकुलेशन हमेशा किसके करो, P1 के करो। अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आपके लिए समझना यहाँ पर आसान हो गया होगा, समझ में आ रहा है। इसलिए यहाँ पर ग्रुपिंग कर रखी है, P1 और P5 को एक साथ ले रखा है, क्यों, क्योंकि इनके टर्म्स सेम है। कुछ और केस लेकर देखते हैं, जैसे P2 एंड P4, P2 एंड P4। अब देखो अपन को पता है, अगर मैं P2 की बात करूँ तो यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन पड़ने हैं, वन टू, टू इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू टू हो गई। पी फोर की बात करो तो यहाँ पर देखो वन टू थ्री, फोर इलेक्ट्रॉन बनने हैं, वन टू थ्री फोर, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी टू है, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी टू है। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बराबर है तो कुल मिला के इन दोनों के टर्म्स भी सेम होगी। करने का मतलब आपको P2 और P4 दोनों के अलग अलग टर्म्स निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी एक की निकाल लो। अब किसी एक की निकालोगे तो P2 की आसान रहेगी, P4 की, P4 में फोर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, P2 में केवल टू इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, आसान काम कौन सा रहेगा, P2 का। इसलिए P2 का निकाल लो, P4 का निकालने की आवश्यकता नहीं। एग्जाम में P4 का पूछा जाता है, जब भी P2 का ही आंसर बता दो, क्योंकि दोनों के लिए सेम होता है, समझ में आ रहा है। तो P2 कन्फिग्रेशन के यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। देखो P2 कन्फिग्रेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं आपको, टू इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं किसकी, कि एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल क्या होगी, मतलब एल मैक्स। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ पर भर दो, देख प्लस वन जीरो माइनस वन,
दोनों इलेक्ट्रॉन्स का आप यहाँ पर ही भर दो लो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ, तो एल मैक्स आ जाएगा ना, तो कितना का प्लस वन टू, तो एल की वैल्यू तो हो गई कितनी टू, एल मैक्स टू हो गया, एल मैक्स टू हो गया, तो इसका मतलब है कि एम एल की वैल्यू प्लस टू से माइनस टू तक चलेगी, तो यहाँ पर प्लस टू प्लस वन जीरो। अब आगे लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर बात करें अपन को एस मैक्स चाहिए, तो एस मैक्स के लिए क्या करोगे, एस मैक्स के लिए हाइस्ट मल्टीप्लिसिटी के साथ भरो, तो प्लस आप वन, तो एस मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस वन। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि एम एस की जो वैल्यू होगी होगी प्लस वन से माइनस वन, तो यहाँ पर प्लस वन जीरो माइनस वन, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इस तरह से आप देख सकते हो, ये यहाँ पर टेबल बन जाएगी। टेबल बन गई तो उसके बाद अब आप इजीली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पर भी देख लो, ये इधर की वैल्यू तो एम एस, इधर की वैल्यू एम एल हो जाएगी। ठीक है, अब इसको भर के देखना है। सबसे पहले एल की वैल्यू आपका टू करनी है, एल की वैल्यू टू करोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर भर दो इसमें। अब दोनों इलेक्ट्रॉन के एक ही ऑर्बिटल में भरोगे तो स्पिन का अपोजिट होगी, तो एस की वैल्यू तो जीरो होनी है, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। फिर एल की वैल्यू वन करनी है, वन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दो। जब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ और एक को यहाँ पर भरोगे तो इस कंडीशन में दोनों को प्लस हाफ में भर सकते हो क्लॉकवाइज स्पिन, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी। दोनों को माइनस हाफ के साथ भर सकते हो, तो माइनस वन, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी, प्लस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ दो पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर होगा टू एक्स। एल की वैल्यू वन करने का और कोई तरीका नहीं है। अब एल की वैल्यू जीरो करो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक यहाँ पर भरोगे तो सेम पॉसिबिलिटी हो गई, तो यहाँ पर एक्स 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 एक्स। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर भर सकते हो, तब भी L की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरोगे तो स्पिन अपोजिट होगी, S की वैल्यू जीरो होगी, तो यहाँ पर एक एक्स और आएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो L की वैल्यू टू हो गई, L की वैल्यू टू पर टर्म होगी D, एक एक्स है तो वन डी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ काटा है तो नीचे भी काटो भाई, इसमें और कोई एक्स नहीं है, इसमें चलो इसमें चलेंगे। एल की वैल्यू वन है तो टर्म होगी बी, एक्स एक्स एक, तीन बार कटा थ्री टर्म, 3p हो जाएगी। यहाँ काटा है तो इसको भी काटो, यहाँ काटा है तो इसको भी काटो, यहाँ काटा है तो इसको भी काटो, इसके x खत्म हो गए। अब इसमें चलो यहाँ पर होगा s, एक x बच रहा है इसलिए 1s यहाँ पर होगा, तो ये टर्म हो जाएगी। अब इनमें सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी की टर्म कौन सी, ये है, तो 3p यहाँ पर होगी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, और बाकी जो 1d और 1s है वो अदर टर्म होगी। तो चलो मैच करो, अब आप यहाँ पर P2 में देखो 3P तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में दे रखा है, और अदर में दे रखा है 1D 1S, अदर में दे रखा है 1D 1S। अब देखो P2 के लिए देख लिया ना, P4 के लिए देखोगे तब भी सेम ही बनेगा, इसलिए P2 के लिए कैलकुलेशन कर ली, P4 के लिए कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं अलग से, इसलिए अब P4 के लिए करोगे कैलकुलेशन तो आएगा तो सेम ही, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करके देखा था, यहाँ पर 4 को करना है, इसलिए मैंने बता दिया कि आपको इतना पता होना चाहिए कि P2 P4 के लिए सेम टर्म सिंबल बनेगा। इसका मतलब P2 के लिए कैलकुलेशन कर ली, P4 के लिए कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो नेक्स्ट यहाँ पर देखते अपन, जैसे P3 के लिए देखो भाई, देखो P3 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, प्लस वन जीरो माइनस वन। सबसे पहले एल मैक्स देखो, एल मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी एल की, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ लोवेस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ भरो, 1 2 3, तो दो यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 1 1 0, दो इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए 1 1 0, तो 1 + 1 + 0 2, तो प्लस टू से माइनस टू चलेंगे। फिर एस मैक्स की वैल्यू देखो, हाइस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन भरो, तो 1 2 3, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस 3/2, तो एस मैक्स की वैल्यू होगी प्लस 3/2, इसका मतलब प्लस 3/2 टू माइनस 3/2 तक चलना है। समझ में आ रहा है? तो चलो देखते हैं, अब टेबल बना लेते हैं। यहाँ तो जाएगा प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 0, बस यही काफी है। इधर देखेंगे तो प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2। अब टेबल यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, टेबल हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, इस तरह से टेबल बन जाएगी। देखो बहुत आसान काम है, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, वो केवल अपन ने शुरू में सीखने के लिए लिखा है, बाकी सारा काम डायरेक्ट ही हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता जितना अपन को सोचते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पर हो जाएगा, ये इधर एम एस इधर एम एल की वैल्यू हो जाएगी।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले तो L की वैल्यू 2 करनी है। L की वैल्यू 2 तभी होगी जब आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरोगे, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऐसा करोगे तभी L की वैल्यू 2 होगी। और ऐसा करोगे तो उनकी तो स्पिन आप कैसे भी रख दो। इसकी स्पिन की बात करें तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, किसको क्लॉकवाइज भरा जा सकता है इसको भाई, इनमें तो आप कैसे भी भर दो, आप ऐसे भर दो चाहो ऐसे भर दो, क्योंकि ये तो डीजनरेट रहेगा, इसलिए जो चेंज किया जा सकता है वो केवल इसमें किया जा सकता है। अगर इसमें चेंज करते हैं तो देखो क्लॉकवाइज कर सकते हो, इसको एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो। इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, मतलब कुल मिलाकर प्लस हाफ होगा तो यहाँ पर एक्स आएगा। इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो प्लस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, तो यहाँ पर माइनस हाफ हो जाएगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप एल की वैल्यू 2 करते हो तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगे, उस कंडीशन में जो एस की वैल्यू होगी वो प्लस हाफ हो सकती है या फिर अपोजिट भर सकते हैं इसको माइनस हाफ हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। फिर एल की वैल्यू आपको कितनी करनी है, 1 करनी है। एल की वैल्यू 1 कैसे कर सकते हो, देखो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दो, एक को यहाँ पर भर दो, एक को यहाँ पर भर दो, तो हो गया। देखो प्लस हाफ माइनस हाफ, सॉरी प्लस वन माइनस वन, हो गया 1। तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी सेम हो गया ना, इनमें तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं प्लस हाफ माइनस हाफ, तो यहाँ पर एक्स और एक्स। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी जिससे एल की वैल्यू 1 आ जाए, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? देखो एक पॉसिबिलिटी और है, कौन सी, यहाँ पर देखते, चलो देखते हैं। एल की वैल्यू 1 लानी है, आपके इलेक्ट्रॉन से बढ़ने कितने 3, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक यहाँ पर, कर सकते हो सर, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है एक यहाँ पर। अब ऐसा करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर तो एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो गया तो ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन इसकी स्पिन को आप क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो। क्लॉकवाइज करोगे तो प्लस आर, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो माइनस आर, हो गए यहाँ पर कुल मिला के ये पॉसिबिलिटी हो गई। फिर आपको L की वैल्यू 0 करनी, L की वैल्यू 0 कब आएगी, L की वैल्यू 0 देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर दिया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर दिया, यहाँ पर भर दिया, जोड़ो आप, जोड़ के देखो L की वैल्यू 0 करनी है, तो देखो प्लस हाँ प्लस वन जीरो माइनस वन, जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। अब देखो तीनों की स्पिन को क्लॉकवाइज कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी, तीनों को क्लॉकवाइज करेंगे तो प्लस 3/2 एक्स, तीनों को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, यहाँ पर एक्स, हो गया ना, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस 3/2। ऐसा हो सकता है इसको क्लॉकवाइज कर दो, इसको क्लॉकवाइज कर दो, इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दो, ये समझो आप, दो को क्लॉकवाइज कर दिया, एक को एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो प्लस 1/2। अब पॉसिबिलिटी 3 होगी, इसको एंटी क्लॉकवाइज किया तो भाई इसको भी कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे, इसलिए यहाँ पर 3x आएगा। फिर माइनस हाफ लाना है, माइनस हाफ के लिए क्या, दो को एंटी क्लॉकवाइज एक को क्लॉकवाइज, तो कुल मिलाकर इसको क्लॉकवाइज किया तो इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। देखो क्लॉकवाइज प्लस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, तो -1/2, प्लस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ -1/2। अब पॉसिबिलिटी 3 होगी, कौन कौन सी, कि इसको क्लॉकवाइज किया तो इसको भी तो कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे, 3 पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर 3x आएगा, 3x। L की वैल्यू 0 करने का और कोई तरीका है क्या, L की वैल्यू 0 करने का और कोई तरीका नहीं, अजमा के देख लो, जैसे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिया, अब एक इलेक्ट्रॉन को आप भाई कहीं पर भी भरो, यहाँ पर भरो चाहे यहाँ पर भरो, L की वैल्यू 0 आएगी नहीं, कुल मिलाकर और कोई तरीका नहीं L की वैल्यू 0 करने का। अब ये टेबल अपने पास बन गई, देखो 2 है 0 1 2 एस पी डी, टर्म कौन से बनेगी यहाँ पर, डी टर्म बनेगी, एक्स काटो 1 2 ये 2d हो गया, इसमें एक्स काटा है तो इसमें भी काटो, इसमें भी काटो, इसमें एक्स काटा है तो इसमें इसमें भी काटो, इसमें एक्स खत्म हो गया, इसमें चलो 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा पी, एक्स काटो 1 2 तो यहाँ पर हो गया 2p, इसमें एक्स काटा है तो यहाँ भी काटो, इसमें एक्स काटा है तो यहाँ भी काटो, फिर इसमें देखो 0 है तो यहाँ पर हो गया एस, एक्स काटो 1 2 3 4 तो यहाँ पर हो गया 4s, और कोई एक्स बचाई क्या, नहीं बचा, तो ये टर्म होगी। देखो सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी इसकी आ रही है तो ये होगी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, इसमें मल्टीप्लिसिटी कम है तो लेस स्टेबल है, ये हो गया अदर्स अदर टर्म सिंबल्स, ठीक है ना। अब टेबल से मैच करो आप, देखो P3 में क्या आ रहा है, 4s तो आ रही है ग्राउंड स्टेट में, आ रही नहीं आ रही, अदर में आ रही 2d और 2p, अदर में आ रही 2d और 2p, समझ में आ गया होगा कैसे किया है, ठीक है ना। इसी तरह से देखो
D1 D9 का केस दे रखा है। अब D1 का आप निकाल लो, D9 का निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि D1 और D9 में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होगी। देखो डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5। अब D1 के केस में इलेक्ट्रॉन्स भरो, n की वैल्यू कितना है, 1, n की वैल्यू 1। अब D9 में देखो, D9 में भी 1 आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, D9 में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है। इसका मतलब D1 एंड D9 दोनों के लिए सेम टर्म सिंबल्स आएंगे। जब सब कुछ सेम ही आना है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत कहाँ है, केवल आप D1 का निकालो, D9 की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से D2 एंड D8 सेम आएगा, D2 D8 में। देखो जैसे D2 का करके देखते हैं अपन, D2 का, D2 1 2 3 4 5, D2 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2। अब D8 में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी कितना है, 2। इसका मतलब है D2 का निकालो, D8 की निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से D3 एंड D7 में सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, टर्म्स यहाँ पर सेम आएगी। D4 एंड D6 में सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब टर्म्स में इनके सेम आएगी। कुल मिलाकर D4 का निकालो, D6 का निकालने की आवश्यकता नहीं। D5 का तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स बनेंगे क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में 5 है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा टर्म्स बनेंगे, आपको निकाल के देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट अब नहीं होगा। समझ में आ रहे हैं तो आप इनको कर करके देख सकते हो। देखो टप नहीं होता, ये टेबल्स केवल प्रैक्टिस के लिए है, आप कोई सा भी एग्जाम्पल्स उठाना, उसके लिए टर्म सिंबल्स बनाना और फिर इस टेबल से आप मैच करके देख सकते हो। देखो नेक्स्ट जैसे SS का लेकर देखते हैं, SS। हम देखो SS का मतलब S1 भी हो गया, तो यहाँ पर देखो ये SAS, एक एक इलेक्ट्रॉन्स बनना है। एल मैक्स की बात करेंगे तो भाई यहाँ पर तो 0 0 ही तो होगा, तो एल मैक्स इक्वल 0 हो गया। एस मैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस हाफ, एस मैक्स इक्वल 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एल की वैल्यू तो हो गई, एम एल की वैल्यू तो केवल 0। एस की बात करेंगे तो +1 से -1 तक चलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा +1 0 -1। अब टेबल बन जाएगी, इतनी सी टेबल इसकी बनेगी, यहाँ पर ये टेबल इसके बन जाएगी, यहाँ पर इधर MS इधर ML, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स भरो, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और तो नहीं पॉसिबिलिटी। इसको क्लॉकवाइज कर सकते हो, एक पॉसिबिलिटी, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो, दूसरी पॉसिबिलिटी। इसको क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज एक्स, इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज एक्स, ये हो गया। एस 0 है, एस की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर एस टर्म हो गई, सॉरी एम एल की वैल्यू 0 है तो टर्म हो गई एस। एक्स को काटो, 1 2 3 3 एस, एक्स पूरे कट गए क्या, नहीं कटे, एक बच रहा है तो फिर वापस एस, इसको काटो 1 एस, तो यहाँ पर ये टर्म हो गए। इसमें से जो 3s है वो क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, और जो 1s है वो क्या हो जाएगी, अदर टर्म सिंबल्स। तो देखो 3s दे रखी इसमें ग्राउंड स्टेट, और 1s दे रखी अदर टर्म सिंबल्स में, ठीक है ना। इसी तरह से आप sp sd pp pd dd ss s ssp spp spd है ना, SSD एटसेट्रा की निकाल कर देखना। इनमें से एक बता देता हूँ मैं, जैसे SSD की यहाँ पर बता देता हूँ, लास्ट में देखो SSD, इसके लिए देख लेते हैं, तरीका सेम है, बाकी का भी आप निकाल कर देख लेना प्रैक्टिस के लिए। देखो SSD कॉन्फ़िगरेशन, देखो ध्यान देना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S1 S1 D1। देखो SSD, डी में कितने ऑर्बिटल, 5 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये S, ये S, ये डी, SSD। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 0 +2 +1 0 -1 -2, ये होगा। अब एल मैक्स की वैल्यू देखो, यहाँ के इलेक्ट्रॉन तो चेंज कर ही नहीं सकते, यहाँ पर एल मैक्स, एल की वैल्यू मैक्सिमम आई, इसके लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पढ़ना पड़ेगा, तो कितना होगा, 0 + 0 + 2, तो यहाँ पर 2, तो +2 से -2 चलेंगे। एस मैक्स की वैल्यू देखो, एस मैक्स की वैल्यू देखोगे तो सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन भरो, +1 +1 +1, तो यहाँ पर हो गया +3/2, तो यहाँ पर चलना है +3/2 से -3/2, तो कुल मिलाकर टेबल बना सकते हैं अपन, यहाँ पर बहुत ही आसानी से टेबल बना सकते हैं। चलो टेबल बना कर देखते हैं भाई। देखो यहाँ पर देखना है +2 से -2, तो केवल +2 से 0 लिख लो, +2 +1 0, यहाँ पर +3/2 से -3/2, तो देखो +3/2 +1/2
प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब टेबल बना लो यहाँ पर, एक ये टेबल यहाँ पर हम बनाकर देख लेते हैं। ये टेबल यहाँ पर हो जाएगी भाई। देखो अब समझ में आ गया होगा कि ये टेबल ओबल बनाने में कुछ भी टाइम नहीं लगता, बस पहले अपन सीख रहे थे इसलिए इस काम को धीरे धीरे कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनमें तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये ms ये ml की वैल्यू है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो अब सीख गए हम तो बहुत ही आसानी से इनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आएगी। चलो आपको L की वैल्यू 2 करनी है, L की वैल्यू 2 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यार ये क्या पर बनना है, और L की वैल्यू 2 करनी यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो चेंज कर ही नहीं सकते, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको बनना है। अब देखो ध्यान देना, प्लस 3/2 लाना है, प्लस 3/2 कैसे आएगा, जब तीनों को आपको इसको प्लस आप रखना है, इसको प्लस आप रखना है, इसको प्लस आप रखना है, तीनों को जब प्लस आप रखोगे इस तरह से रख दिया आपने तो प्लस 3/2 आ जाएगा, प्लस आप प्लस आप प्लस आप, एक ही पॉसिबिलिटी होगी इसलिए एक्स एक आ गया। अब प्लस हाफ आपको करना है तो दो को तो प्लस हाफ एक को माइनस हाफ कर दो, हो गया ना, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ आ जाएगा जोड़ोगे तो, हो गया ना, इसका प्लस हाफ हो गया, इसका प्लस हाफ हो गया, इसका माइनस हाफ आ गया, जोड़ोगे तो प्लस हाफ आएगा। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी 3 होगी, कैसे कि माइनस हाफ इसका किया है तो इसका भी तो कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, तो 3 पॉसिबिलिटी, मतलब यहाँ पर 3x आएगा। फिर माइनस आप लाना है, माइनस आप के लिए क्या करोगे, दो को माइनस आप कर दो, एक को प्लस आप कर दो, तो प्लस आप माइनस आप जोड़ोगे तो माइनस आप आएगा। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी 3 है, जैसे इसका प्लस आप रखा तो इसका भी रख सकते हो, इसका भी रख सकते हो, तो यहाँ पर भी 3x आएगा। फिर माइनस 3/2 लाना है तो तीनों को ही माइनस आप बना दो, तो माइनस आप केवल एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी, इसलिए यहाँ पर केवल 1x आएगा। अब आपको प्लस 1 करना है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को तो छेड़ ही नहीं सकते, प्लस 1 करना है एल के वैल्यू, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दो, तो भाई फर्क क्या पड़ गया, इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही भरा है, बस यहाँ शिफ्ट हो गया, तो पॉसिबिलिटी जब भी बिल्कुल सेम आएगी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी एक्स 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 यही आएगा। फिर 0 करना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दो, कुछ फर्क पड़ा क्या, अब भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल सेम आएगी, तो एक्स 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 एक्स। अब आपको लग रहा होगा आसान काम है, कुछ भी नहीं, इनमें बहुत ही आसानी से इनको आप सॉल्व कर सकते हो, पहले काफ़ी टफ लग रहा होगा, अब काफ़ी ईजी लग रहा होगा, समझ में आ रहा है। तो देखो ध्यान देना, अब L की वैल्यू 2 है तो टर्म क्या होगी, 0 1 2 एस पी डी, तो यहाँ पर होगी डी, एक्स को काटो 1 2 3 4 4d, यहाँ काटा है तो नीचे भी काटो, यहाँ काटा है तो नीचे भी काटो, यहाँ काटा है तो नीचे भी काटो, यहाँ काटा है तो नीचे भी काटो। अब इसमें x बचा हुआ है तो दोबारा देखो, यहाँ पर d काटो, x 1 2 यहाँ पर 2d, यहाँ काटा है तो नीचे भी काटो, यहाँ काटा है तो नीचे भी काटो। अभी x और बचा हुआ है तो फिर आएगा वापस d, यहाँ पर d काटो, 1 2 2d, यहाँ काटा है तो यहाँ भी काटो, यहाँ काटा है तो यहाँ भी काटो। अब x खत्म हो गया, इसमें खत्म हो गया तो इस पर चलो, इसमें x कट चुका है, इसमें कट चुका है तो इस पर चलो, इसमें भी x कट चुका है तो कुल मिलाकर टर्म यही होगी। इसमें मल्टीप्लिसिटी सबसे ज़्यादा हो रही है, मतलब ये ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा, बाकी अदर्स होंगे अदर्स। चलो देखो टेबल में मैच करो, अब आप यहाँ पर लास्ट में दे रखा है ना SSD, देखो 4d तो दे रखा है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में, और 2d दो बार 2d दे रखा है अदर्स में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब सब कुछ समझ में आ गया होगा इस टेबल में, और भी एग्जांपल से आप प्रैक्टिस के लिए आप इनको सॉल्व करके देख सकते हो टेबल में, आपको कोई सा भी एक उठाना है, प्रैक्टिस के लिए सब कुछ बनाना है, बनाकर फिर टेबल से आपको मैच करना है। ऐसा करने से क्या है, आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना। तो मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कैसे टर्म सिंबल्स निकालते हैं, कैसे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स को डिसाइड करते हैं, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, किसी को अब किसी प्रकार का यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर ही आता है। चलो करो इसको कंप्लीट नोट।